सेल उड़ा रही है का आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो में पहली बार सरताज जो है वो किसी के लिए हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जान बख्श दे। आपको बताते चले कि यहाँ पर दोनों एकम और सरताज दोनों नहमत के लिए प्रार्थना करके बाहर निकलते ही हैं, तभी फ़ोन आ जाता है कि नहमत की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। जी हाँ, हॉस्पिटल से ये फ़ोन आता है। ये सुनने के बाद दोनों भागे दौड़े हॉस्पिटल पहुँचते हैं, यहाँ पर सरताज भी और एकम भी, और वहाँ हॉस्पिटल में अलग ही तमाशा हो रहा है जहाँ हरलीन का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर मामी जो है वो हरलीन को आकर बताती हैं कि नहमत की स्थिति बहुत ख़राब है, नहमत का बचना मुश्किल है, हरलीन जो है वो अब करे तो क्या करे। हरलीन इसके लिए अपने आप को दोषी मान रही है। अब घर वाले भी हॉस्पिटल में हैं ही और जैस्मीन भी पहुँच जाएगी, और तब तक यहाँ पर सरताज और एकम भी पहुँच जाएंगे। सरताज खुद एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और ऐसे में नहमत को इस तरीके से सबको छोड़ कर जाता देख वो खुद बागडोर संभालेगा, खुद जाएगा अंदर ओटी में, और यहाँ वो नहमत की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा, वो अपना पूरा दम लगा देगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर नहमत सिर्फ और सिर्फ सरताज की वजह से बच जाएगी, और ये सब एकम देख रहा होगा। अब कहीं ना कहीं एकम को इस बात की समझ है कि अगर नहमत का ख्याल कोई अच्छे से रख सकता है तो उसका भाई है। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि अब जब नहमत ठीक हो जाएगी, इसके बाद का जो बड़ा ट्विस्ट आया जिसका प्रोमो भी आप लोगों ने देख लिया है कि एकम को सब कुछ मालूम चल चुका है कि नहमत क्यों भागी थी, तो इसके बाद क्या होगा। क्योंकि यहाँ हरलीन भी बहुत बड़े गिल्ट में है कि उसकी वजह से आज नहमत इस स्थिति में पहुंची है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।